हेलो और वेलकम, स्वागत है आपका वीएस फैंटेसी प्रेडिक्शन में। हम बात करने वाले हैं अबू धाबी टी टेन ओवर्स के मैच की। ये सीरीज का फाइनल मैच है जो कि NYS वर्सेस DG के बीच में होने वाला है। 9 दिसंबर का ये मैच रात के 9 बजे शुरू होगा। वेदर की बात की जाए तो बरसात के कोई आसार नहीं है। न्यूयॉर्क स्ट्राइकर्स वर्सेस डेक्कन ग्लैडिएटर्स का ये मैच वेन्यू रहेगा शेख जियाद स्टेडियम अबू धाबी यूनाइटेड अरब अमीरात का। पिच रिपोर्ट की बात की जाए तो बैलेंस विकेट है। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर 97 रहेगा। NYS की प्लेइंग 11 की बात की जाए तो गुरबाज काफ़ी अच्छी फॉर्म में, आप देख सकते हैं। जैसे ही मैच शुरुआत हुआ तो कुछ स्लो शुरुआत की थी, लेकिन उसके बाद में अपनी वो फॉर्म को उन्होंने दिखाया। 07, 22, 49, 41 फिर लगातार 2 मैचों में जल्दी आउट हुए, खाता भी नहीं खुला। और जो लास्ट मैच उन्होंने खेला है उन्होंने उसमें 56 रन बनाए। मोहम्मद वसीम की बात की जाए ये भी एक बढ़िया प्लेयर हैं। 26, 41, 23, 1, 23, 18 और जो लास्ट के 2 मैच उसमें उन्होंने खेले हैं उसमें उन्होंने एक ओवर की बॉलिंग की है, 4 रन बनाए, 1 ओवर फेंका 1 विकेट, 8 रन बनाए, 1 ओवर फेंका विकेट नहीं मिला। तो आप चाहें तो इन्हें अपनी टीम का वाइस कप्तान या कप्तान लेके चल सकते हैं। प्लेयर तो खतरनाक हैं, ओपनिंग भी करेंगे। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि लास्ट के दो मैचों से ओवर एक ओवर फेंकना शुरू कर दिया है। तो हो सकता है इस मैच में फेंकें या हो सकता है ना भी फेंकें, क्योंकि 10 ओवर के चेज में ओवरों में कंफर्म कुछ भी नहीं है। टिकी वाला की बात की जाए कोई खास पिक नहीं है अभी तक, ऐसा कुछ दिखाया नहीं और मेरी समझ से इतना अच्छा कुछ परफॉर्म भी नहीं किया। काफ़ी मैच तो ये शुरुआत के 5 मैच खेले नहीं, उसके बाद में 0, 18, 8 की इनिंग है, आप ड्रॉप कर सकते हैं। पोलार्ड काफ़ी वेस्ट इंडीज के प्लेयर हैं और ख़तरनाक भी हैं। खतरनाक इसलिए क्योंकि ये कभी भी बड़ा स्पोर्ट कर सकते हैं, लेकिन नंबर 4 पर बैटिंग भी कर रहे हैं। अगर इनके परफॉर्मेंस को देखा जाए तो उस लिहाज से आप इन्हें ड्रॉप करना ही सही रहेगा। 8, 2, 5, 2, 8, 9, 14, 9 की इनिंगें रही हैं अब तक के, अभी सभी जितने मैच खेले हैं उससे अच्छा आप तो इन्हें ड्रॉप कर दें। आसिफ अली ऐसे कोई खास पिक नहीं है, लेकिन बीच बीच में इनकी बड़ी इनिंगें आ जाती हैं, जैसे कि 24 की है, फिर एक बैट में बैटिंग बॉलिंग नहीं आई, फिर 5 की है, फिर बैटिंग नहीं आई, फिर 4, 23, 9 और लास्ट मैच में 17 की है। ऑर्डन स्मिथ कभी भी बॉलिंग के साथ आपको बैटिंग के साथ आपको बॉलिंग दे सकते हैं, और कभी कभी तो बैटिंग या बॉलिंग कुछ भी नहीं करते हैं, लेकिन एक प्लेयर बढ़िया है, चाहे तो अपनी मेगा लीग में ट्राई कर सकते हैं। सीकर रहते हैं, हर मैच में बॉलिंग करा रहे हैं और 6 विकेट भी निकाल रहे हैं। 2 रन 3 विकेट 2 ओवर और 1 ओवर 1 रन एक रन और इसमें बैटिंग और लास्ट मैच में 7 रन बनाए, 2 ओवर फेंके 1 विकेट। तो करुण रत्न आपकी टीम में होने चाहिए, रिजवान आप ड्रॉप कर दीजिए, नारायण आपकी टीम में होने चाहिए, अच्छी फॉर्म में है। लास्ट मैच में जो इन्होंने खेला उसमें 1 विकेट निकाला 2 ओवर फेंकते हुए। आमिर अभी अच्छी फॉर्म में है, कभी भी बड़ा स्पोर्ट कर सकते हैं। एक मैच में जो इन्होंने खेला था उसमें उन्होंने 4 विकेट निकाले थे 2 ओवर फेंकते हुए। उसके बाद जो उससे पहले इन्होंने 1 विकेट निकाला था और लास्ट मैच में 1 ओवर फेंका जिसमें विकेट नहीं मिला। सिर्फ 2 ही मैचों में इन्होंने विकेट निकाले हैं, एक जिसमें 4 विकेट निकाले हैं और एक जिसमें इन्होंने 1 विकेट निकाला है, उसके अलावा इन्होंने किसी भी मैच में विकेट नहीं मिले हैं। अकील हुसैन बढ़िया प्लेयर हैं, आपके पास होने चाहिए। लास्ट के जो मैच इन्होंने खेला उसमें इन्होंने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है अपने लिए या टीम के लिए, 5 विकेट निकाले 2 ओवर फेंकते हुए। तो आपकी टीम में अकील हुसैन होना चाहिए। जवादुल्लाह की बात की जाए तो ये भी एक बढ़िया प्लेयर है, हर मैच में विकेट निकाले हैं और लास्ट का जो मैच था उसमें इन्होंने 2 विकेट निकाले 2 ओवर फेंकते हुए। तो आपकी टीम में ये प्लेयर होने चाहिए। स्टार्टिंग ओवर अकील हुसैन, आमिर, नारायण, करुण रत्ने, डेथ ओवर में नारायण, जवादुल्ला, करुण रत्ने, मोहम्मद वसीम। इस टीम से आप किसे ट्राई कर सकते हैं? गुरबाज, मोहम्मद वसीम, इसके अलावा करुण रत्ने, नारायण, अकील हुसैन, जवादुल्ला आप ट्राई कर सकते हैं। सामने जो टीम है वो DG की, या इसकी अगर प्लेइंग 11 की बात की जाए तो कोल्डमोर की अगर बात की जाए तो बहुत अच्छी फॉर्म में, हाई परसेंटेज है इनके कप्तानी का और पॉइंट भी इन्होंने काफ़ी दिए हैं फैंटेसी गेम में। तो अगर इनके प्रदर्शन को आप देखेंगे तो 68, 42, 8, 35, 44, 69, 10, 43, 36 काफ़ी खतरनाक प्लेयर है ना, पूर्ण तो हैं खतरनाक, विकेट कीपर सेक्शन से भी आते हैं। तो 1, 8, 41, 30, 35, 7, 11, 70, 26 तो ये दोनों ही प्लेयर आपके लिए अच्छे पिक रहेंगे, आप चाहें तो इन्हें ट्राई कर सकते हैं। एंटर फ्रैक्चर वेस्ट इंडीज के प्लेयर हैं, बहुत अच्छे प्लेयर हैं, आप चाहें तो इन्हें अपनी टीम में ट्राई कर सकते हैं। और अगर आप इन्हें छोड़ रहे हैं तो इमाद वसीम को ट्राई कर सकते हैं,
आप और इमाद वसीम को जरूर ट्राई कीजिए, बैटिंग के नंबर चार पे आते हैं और बैटिंग के साथ आपको बॉलिंग का मौका भी देते हैं। लास्ट के कुछ मैच अगर आप 3 मैच देखेंगे तो जल्दी बैटिंग आई आउट हो गए, 2 विकेट निकाले 2 ओवर फेंकते हुए, उसके बाद 2 ओवर फेंके विकेट नहीं मिला। लास्ट मैच में उन्होंने 35 रन बनाए हैं, 2 ओवर फेंके 1 विकेट निकाला। फ्लेक्चर लास्ट के जो 2 मैच खेले हैं उसमें 0 पे आउट हुए हैं, तो हो सकता है कि इस मैच में कुछ अच्छा कर जाएं, क्योंकि लास्ट के 2 मैच को देखते हुए परफॉर्म नहीं किया है, तो हो सकता है 20-25-30 की इनिंग खेल जाएं, तो इन मैनेजर रखिएगा। रसल एक बेहतरीन प्लेयर है, बैटिंग के साथ बॉलिंग का बैकअप है। लास्ट के 2-3 मैचों से आप देखेंगे 7 रन 1 ओवर विकेट नहीं, 1 रन इसमें उन्होंने बॉलिंग नहीं कराई, उसके बाद 2 विकेट 2 ओवर फेंकते हुए, लास्ट मैच में 9 रन 1 विकेट 1 ओवर फेंकते हुए। फेबियन एनन ऐसे कुछ खास पिक तो बनते ही रहे हैं, काफ़ी मैचों में तो बैटिंग कॉलिंग भी नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी अगर आप मैं कल खेल रहे हैं तो ट्राई कर सकते हैं, चाहे तो ड्रॉप भी कर सकते हैं। लास्ट मैच में इन्होंने 1 रन बनाया 1 विकेट निकाला 2 ओवर फेंकते हुए। वाइस 1 ही ओवर फेंका लास्ट मैच में, विकेट नहीं मिला उससे, और बैटिंग भी इनको मिलती है तो काफ़ी नीचे मिल रही है, ओवर सिर्फ लास्ट मैच में ही फेंका है, इससे पहले ओवर भी नहीं फेंक रहे, तो आप इन्हें ड्रॉप कर सकते हैं। एंथुसारा की बात की जाइए, एक बेहतरीन प्लेयर आपकी टीम में होने चाहिए, जहूर खान आपकी टीम में होने चाहिए, मोहम्मद जाहिद आप ड्रॉप कर सकते हैं, लुक बोर्ड बहुत खतरनाक प्लेयर हैं, हालांकि लास्ट मैच में सिर्फ 1 ओवर फेंका जिसमें विकेट नहीं मिला। बकार साला खेल 3 विकेट निकाले हैं लास्ट के मैच में 2 ओवर फेंकते हुए, आप चाहें तो इन्हें अपनी टीम में रख सकते हैं, चाहे तो ड्रॉप भी कर सकते हैं, उससे पहले मैच में सिर्फ 1 ओवर फेंका था मेरा मानिए तो ड्रॉप कर दीजिएगा, इनके कुछ ऐसे प्लेयर को लीजिएगा जिसका कंफर्म हो कुछ ओवर फेंकने का, क्योंकि इससे पहले इन्होंने जो मैच खेला एक मैच में खेला बैटिंग बॉलिंग नहीं मिली, इसके बाद 2 मैच ये खेले नहीं, फिर 1 मैच में सिर्फ इन्हें 1 ओवर मिला और लास्ट मैच में 3 विकेट मिले 2 ओवर फेंकते हुए। स्टार्टिंग ओवर इमाद वसीम, फेबियन एलन, बकार सलाम खेल, और डेथ ओवर में फेबियन एलन, लुक बोर्ड, रसेल, वाइस, जहूर खान, इस टीम से आप किसे ट्राई कर सकते हैं, दोनों ही ओपनर को ट्राई किए, कोल्ड मोरन पूरन को। फ्लेक्चर भी एक बढ़िया चॉइस है, आप ये तो नहीं कहूँगा फ्लेक्चर छोड़ दीजिए, क्योंकि फ्लेक्चर बहुत ही खतरनाक प्लेयर है, और इमाद वसीम, रसल ये टॉप के 4 प्लेयर जो हैं आपके लिए अच्छे प्लेयर हैं। एंथुसारा और जहीर खान जी आपकी टीम में होने चाहिए, आप चाहें तो लुकपुट को भी ट्राई कर सकते हैं, लुकपुट की अगर फॉर्म को देखें तो इस सीरीज में कुछ फॉर्म जो है उनकी कुछ खास नहीं है, फॉर्म को देखते हुए आप चाहें तो इन्हें ड्रॉप भी कर दीजिए, लेकिन वो ओवर अपने कट मैक्सिमम जो 2 ओवर हैं वो फेंके ही हैं इन्होंने, सिर्फ विकेट नहीं मिले, इस वजह से आप इनकी परफॉर्म को मतलब नज़रअंदाज नहीं कर सकते, फाइनल मैच है कुछ भी हो सकता है, किसी भी प्लेयर कोई भी प्लेयर धमाका कर सकता है, तो आप अपने टीम को जरा हेड टू हेड ना खेल के मेगा लीग खेलें, जिसमें थोड़ा रिस्की टीम बनेगी लेकिन सेफ हो सकता है कि आप जो लगाएंगे वो आपके साथ वापस आ जाएं, या हो सकता है अच्छे भी बच्चे जाएँ, तो आज फाइनल मैच है तो फाइनल मैच में हमेशा ग्रैंड लीग ही खेलें, वही ज़्यादा सही रहता है, बाकी आप देख रहे हैं कि हर प्लेयर अच्छा परफॉर्म कर रहा है फाइनल मैच के लिए। फिलहाल हमारी टीम की अगर बात करें तो अभी तक ये टीम है, कन्फर्म 11 नहीं है, हो सकता है कि एक या दो प्लेयर ना खेलें, हो सकता है सेम के खेलें, लेकिन फिर भी एक कप्तान है, वाइस कप्तान को मैंने कोडमोर को दिया है, वाइस कप्तान इमाद वसीम को दिया है, आप चाहें तो किसी और को भी, आप चाहें तो इमाद वसीम या गुरबाज को भी कप्तान या वाइस कप्तान दे सकते हैं, इसके अलावा पूरन भी एक कप्तानी के प्लेयर हैं, आप जिसे चाहें उसे अपने कप्तान या वाइस कप्तान के रूप में मेगा लीग में ले जा सकते हैं। सभी प्लेयरों के रिकॉर्ड आपको दिखा दिए गए, बता दिए गए वीडियो में कि कौन सा प्लेयर किस नंबर पर आ रहा है और किस फॉर्म से गुजर रहा है, तो आप उसको देखते हुए अपनी टीम खुद की टीम भी बना सकते हैं। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद दोस्तों।